हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव के एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी रहना है, आपके पार्टनर का फेस इमेजिन करना है, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचो और कैंडल पर फोकस करो, और रीडिंग के एंड तक सिर्फ हैप्पी, उनका हैप्पी फेस आपके आंखों के सामने रखो, बस इतना करो, रीडिंग पॉजिटिव निकल के आ जाती है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे, गाइड करें ट्रू मैसेज से। दोनों ही अपने अपने रास्ते बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि थर्ड पार्टी बीच में है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि बहुत दिल करता है इसको लात मार के हकालने का, बहुत करंट में, जैसे कि आप इनको मत होता है ना, किक मारना चाहते हो जोर से, कैसे बॉल को हम किक मारते वैसे, और जैसे कि उड़ा देना चाहते हो उनको आप दोनों के रिलेशनशिप से। यहाँ पर वायलेंस तो नज़र आ रहा है, कोई मार रहा है। अब आप तो नहीं मार सकते, 100% चांसेस इन दोनों में कुछ फाइटिंग तो हुई है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो जो कि इनके मम्मी पापा हो सकते हैं जो कि इनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, चांसेस स्ट्रांग है जो कि आपके पार्टनर उनकी बातें मान नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो कि छोटे डॉट्स बने हैं, तो इनके मम्मी पापा जो कि आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है हमेशा से, पहले से ही इनका कंट्रोल जो अपने बच्चे के ऊपर है, वो अपने कंट्रोल से बच्चे को जाने नहीं देना चाहते, जिस वजह से आपके पार्टनर जो कि मतलब कि आपके लिए लड़ने की कोशिश कितना भी करे वो लड़ नहीं पाते हैं। आपका ऐसे कि आपको जस्टिस चाहिए, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में जी रहे हो, आप जो कि आप जो कि अपने आप से इनको अलग भी नहीं कर पा रहे हो, इनको सोच सोच के आप पागल हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा डाउन रह रहा है, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सोने की प्रॉब्लम है, रात को नींद ही नहीं आती है, और जबकि दिन भर काम करना पड़ता है, ऊपर से रात को नींद नहीं आती, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुके हो, कंप्लीट आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो चुकी है, और ये एनर्जीज आपके पार्टनर भी फील कर पा रहे हैं। इनको भी बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना ऐसे झटके आने लगे अभी बीच बीच में, कभी भी रात को ऐसे डर के उठ जाते हैं, और इनको लगता है कि मतलब इनको समझ में आ जाता है कि आप इनको याद कर रहे हो। यहाँ पे नंबर 8 और 0 बना है, 9 बना है, ठीक है, जो कि डिवाइन टाइम को भी शो करता है। आपका साइकिल बहुत जल्दी फिर से रिन्यू होने वाला है। थर्ड पार्टी जो कि आपका पीछा अभी करंट में तो नहीं छोड़ रही है, लेकिन बहुत जल्दी थर्ड पार्टी इनको डिस्टेंस देने वाली है, क्योंकि इनके अंदर मुझे स्ट्रांगली वायलेंस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस स्ट्रांग है, जो कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो, और अगर नहीं है तो जो भी थर्ड पार्टीज है, इन्होंने डेफिनेटली आपके पार्टनर के पास ऐसा कुछ देखा है, या तो कुछ फ़ोन कॉल पकड़ा होगा, कोई मैसेज पकड़ा होगा, या तो इनको फोटो देखते हुए पकड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कि आप ही को लेके कुछ यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। जो भी है, अगर इनके मम्मी ने देखा है तो जो कि इनको एक्सपोज किया जा रहा है आपके पार्टनर को, कि इनकी गलतियाँ इनको गिनवाई जा रही है, अगर इस रोमांटिक थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ देखा है, तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी तो पूरे ज़माने के सामने आपके पार्टनर को एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रही है, मतलब कि इज्जत निकाल रही है आपके पार्टनर की, जिस इज्जत को संभालने के लिए आपके पार्टनर ने आपको डिस्टेंस दिया, आपको छोड़ा, अपनी प्रेस्टिज खराब नहीं होनी चाहिए इसके लिए आपको नहीं अपनाया, जो रीज़न इन्होंने आपको हमेशा दिया नहीं अपनाने का, वही जो कि इनकी इज्जत अब दांव पे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है।
जैसे कि अगर ये कोई औरत है ना, तो घर से बाहर आ आके इनको जैसे कि इनकी इज्जत निकाल रही है, इनको इनकी हरकतें गिनवा रही है कि तू कैसा है, इसका कैरेक्टर ख़राब है ये, तो मतलब कि इससे शादी करके मैं पछता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ये यहाँ पे जो कि अगर ये औरत है तो अपने माँ बाप को तक जाके बता रही है आपके पार्टनर की, मतलब कि ये आपके बारे में सोच रही है, इसकी ज़िंदगी में कोई और है, ये मुझे धोखा दे रहा है, ये चीटर पर्सन है, मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने ख़राब कर दी। और चांसेस स्ट्रांग है रोमांटिक थर्ड पार्टी वैसे भी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ खुश रहने का दिखावा करती है, ठीक है, जो कि रियल में खुश नहीं हो, वैसे भी वहाँ से जाना ही चाहती है। हो सकता है कि ये भी किसी और से पहले प्यार करती थी, जो कि इनको ज़बरदस्ती से यहाँ पे ला के रख दिया है, वॉयलेंस है। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो आपके घर वाले, इनके जो घर वाले हैं, इनके मम्मी मतलब कि इनके जो घर वाले आपके पार्टनर से इस टॉपिक पे लड़ रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने मर्द से शादी नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है, ये सारे मतलब कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है इनके साथ, ये सब कुछ इनको गिनवा रहे हैं। फिर भी आपके पार्टनर जो कि आपको लेके स्ट्रांग है, मुझे इसी से शादी करनी है, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैं करना ही नहीं है, मैं ज़िंदगी भर कवारा रह जाऊँगा, ऐसा कुछ इनको बोला जा रहा है, तो जो कि फिर इनको चिल्लाया जा रहा है, इनको जैसे कि डांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऊपर से इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश हो रही है। ये सारी बातें करंट में आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, हो सकता है कि ये कल या परसों में हुआ हो, जो इस वक्त इनके माइंड में दोहराया जा रहा है, रिपीट कर रहे हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ था। इनसे कोई अभी अच्छे मुँह बात नहीं कर रहा आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील कर रहे हैं, तकलीफ, और जो कि एक ना दिल इनका बहुत पेन महसूस करता है, मतलब पता है ऐसे हार्ट अटैक टाइप नहीं, लेकिन एक अलग सा पेन होता है जब हमारा जो पर्सन होता है, मतलब कि नज़दीकी हमारे माँ बाप होते हैं, या तो हमारा कोई मतलब जैसे कि आपके लिए आपका पार्टनर है, एक कनेक्शन होता है ना, जब वो तकलीफ देता है हमें तो एक अलग सा पेन होता है हार्ट में, उस पेन को आपके पार्टनर करंट में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस महसूस कर रहे अपने आप को, जैसे कि ज़िंदगी से सब कुछ चला गया है, खुशियाँ भी चली गई, प्यार भी चला गया, ऊपर से इस रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है तो इसने भी पूरी इज्जत दांव पे लगा दी, अब कहीं पे मुंह दिखाने के लायक आपके पार्टनर अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, इनको अब करंट में इस बात की शर्म आ रही है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो जो कि इसको ये समझ में आ गया कि ये सच में इतने दिनों से इनको चीट कर रहा था, सच में किसी और से कनेक्टेड था, और जो कि सच में मतलब इनसे रहने में, इनके साथ रहने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो जो पर्सन मतलब सामने वाला भले दिखावा ही कर रहा था अच्छे से रहने का, अब जो दिखावा भी इनके नसीब में नहीं है, ऐसा अब करंट में इनको लग रहा है, मतलब कि ज़िंदगी कंप्लीट ख़राब, ऊपर से सामने वाला क्या सोचेगा वो अलग से, दुनिया क्या सोचेगी वो अलग से, और फिर भी इतना होने के बावजूद भी क्या आपको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं, इसका तो अभी भी क्वेश्चन मार्क ही है। इस तरह से आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग चल रही है, और आपको तो यही है, आपका बस इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को निकालना है, जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। हो सकता है कि आपके ऊपर भी आपके पार्टनर ने कभी हाथ उठाया होगा, अगर आप लड़की है तो ठीक है, अगर आप लड़का हो ना तो चांसेस स्ट्रांग है, फिर आप दोनों में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होता था, फिर आपका हाथ फिर इनके ऊपर उठता होगा, ठीक है। वायलेंस आपकी तरफ से भी नज़र आ रहा है, चीखना चिल्लाना, डांटना, अपने कंट्रोल में रखना, या आपकी तरफ से भी नज़र आ रहा है, तो आपके पार्टनर उन बातों को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जो कि इन थर्ड पार्टी से जो कि भागने के लिए आपके पार्टनर रेडी है, इनको नहीं रहा जा रहा यहाँ से, अपने आप को मैं किस तरह से सर्च हुई है साबित करने के लिए प्रूफ देते रहना, लड़ते रहना, इन सारी एनर्जी से आपके पार्टनर करंट में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और परेशान हो चुके हैं, ये भी सेम आप ही की तरह हालत में है, जिस तरह से आपका मेंटेलिटी कम्प्लीट डिस्टर्ब है, आपके पार्टनर का भी कम्प्लीट डिस्टर्ब है। आप भले अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे कि एनर्जीज चेक करते हो, आपको पता चल जाता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की हालत तो इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको तो ये भी नहीं पता है कि करंट में आप इनके बारे में सोचते भी हो कि नहीं, इनको ड्रीम्स आते हैं, इनको आपके इंट्यूशंस आते हैं, लेकिन फिर भी जो कि रियल नहीं है ना, रियल मतलब सामने से आपके ज़बान से कुछ सुनना, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि सिर्फ मैं ही इतना सोच रहा हूँ इस वजह से मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, और मेरा दिल जो कि प्यार फील करता है इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आप इनको याद कर रहे हो, आप इनको मिस कर रहे हो, और अगर ये सच नहीं हुआ तो, क्योंकि इतना बड़ा धोखा देने के बाद, चीट करने के बाद, इनजस्टिस करने के बाद क्या कोई मुझे इतना याद कर सकता है। इस तरह से आपके पार्टनर अपने आप को करंट में मतलब सोच रहे हैं आपको लेके कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, और जो मुझे सपने आ रहे हैं आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इनको बुला रहे हो, आप रो रहे हो, क्या वो सच में सच हो, क्या वो सच में सच है। हो सकता है कि अभी करंट में आप बातचीत करते हो, ऑन एंड ऑफ में हो,
फिर भी अगर आप इनको बोल भी रहे हो ना, आप गुस्से में कुछ अलग बोल रहे हो जो कि इनके सपने में जाके कुछ अलग बोल रहे हो, तो ये भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर आप चाहते क्या हो, जो आप जबान से बोल रहे हो या फिर इनके सपनों में जो दिखाई दे रहा है वो। आपके पार्टनर इस तरह से कंफ्यूज माइंडसेट में है आपको लेके। यस, डर डेफिनेटली है इनके अंदर आपको खोने का, लेकिन आपको अपनाने का कोई रास्ता भी इनको करंट में दिखाई नहीं दे रहा है। यस, ये बहुत इजी था, मतलब इस रिश्ते को ना ठीक करना, हील करना, आपको अपनाना इजी था, लेकिन आपके पार्टनर ने इनको ना एकदम हार्ड बना दिया, क्रिटिकल बना दिया, समाज को बीच में लाके, दुनिया को बीच में लाके। हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, कास्ट डिफरेंसेस, धर्म अलग, ऐसा कुछ, ठीक है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस जो है ना, जो इतना मतलब बड़ा, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, जिस प्रॉब्लम को इन्होंने इतना बड़ा करके आप दोनों को जैसे कि जिंदगी के साथ इन्होंने खेल लिया। आपके पार्टनर करंट में ये सोच रहे हैं, आपका पता है, आपको तो सबसे ज़्यादा शिकायत इनकी मम्मी से है। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर कभी भी आपके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं, आपके पास आ भी सकते हैं, लेकिन ये अपने मम्मी के पल्लू से निकले तब ना, मम्मी की बातें सुनना कम करे। मम्मी से प्यार तो बहुत करते हैं, आप ऐसा नहीं चाहते हो कि अपने मम्मी से प्यार ना करें, लेकिन ये आपके बारे में भी तो सोचे, कब तक मम्मी से प्यार करता रहेगा। अपने मतलब हस्बैंड या वाइफ के बारे में भी सोच, तुझे भी किसी से शादी करनी है, तुझे भी जो कि ज़िंदगी में आगे जाना है, मतलब अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू बड़ा हो गया है, तू माँ बाप की भी केयर कर, लेकिन तुझे अपना डिसीजन लेने का हक है। लेकिन आपके पार्टनर आपको ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मुझ पर तो पूरा हक मेरे माँ बाप का है, मेरे माँ बाप जैसे बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो फिर आपका अगर ऐसा ही करना था तो माँ बाप को पूछ के ही तू प्यार कर लेता। मैं थोड़ी ना तुझे बुलाने के लिए आई थी प्यार कर प्यार कर। और यस, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद होके आपके पार्टनर को प्रपोज़ किया था, उनके पीछे लगे थे, तो फिर आपके पार्टनर का तो एकदम ईजी है आपके ऊपर ब्लेम करना। हाँ, तू ये आई थी, तूने ये सब कुछ किया था, इस तरह से आपके पार्टनर फिर फील करेंगे, इस तरह से आपके पार्टनर फिर सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दो सिचुएशन बनते हैं, जिन लोगों ने खुद होके प्रपोज़ किया था उनके पार्टनर जो कि इजीली हाथ ऊपर कर रहे हैं, और जिन लोगों के पीछे आपके पार्टनर आए थे, वो फिर आप इनको करंट में ऐसा ही बोल रहे हो कि मैं तो तेरे पीछे नहीं आई थी, फिर उसी टाइम पे माँ बाप को पूछ कर प्यार करना था ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले उस टाइम पे क्यों नहीं सोचा। आप इस तरह से इसीलिए आपका दिल दुखता है, आपके दिल से जो आह निकल रही है, बद्दुआ निकल रही है, ये इसी वजह से निकल रही है। मतलब क्यों नहीं यार, क्लियरिटी नहीं दी, अगर प्यार निभाना नहीं था तो फिर मेरे ही दिल के साथ क्यों खेला, मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, नहीं आता था इस तरह से, मैं मैनेज कर लेती थी, उसी टाइम पे तू मना कर देता था, अच्छा होता था, क्यों हमने इतना टाइम स्पेंड किया, क्यों हम दोनों ने एक साथ, मतलब अगर फिजिकल हुआ है तो क्यों किया इस तरह से, अगर तूने मेरा फ़ायदा उठाया ही क्यों, क्योंकि आपको यही हो रहा है, आपको यूज़ किया है और यूज़ एंड थ्रो कर दिया है, आपको ये फीलिंग आ रही है, भले आप लड़का हो लड़की हो जो हो, अगर इमोशनल सपोर्ट देना ही नहीं था तो फिर क्यों मुझे टच किया। तुझे अच्छे से पता था कि मैं कितना इमोशनल हूँ या मैं कितनी इमोशनल हूँ, और जो कि मैं तुझे खोने से कितना डरती हूँ, मुझे ना तो पैसे चाहिए ना मुझे तुझसे कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन तूने तो मेरी ज़िंदगी ना उम्मीद कर दी, मेरी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी, क्यों किया तूने ऐसा। आप इस तरह से सोच रहे हो, आपके पार्टनर की तो जो इज्जत वो बचा के रखी थी इन्होंने, वो तो बहुत जल्दी जा रही है, या तो गई है कल या परसों ही, या तो जाने वाली है बहुत जल्दी, या थर्ड पार्टी से बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि मिथुन तुला कुंभ राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस भी है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 7, 8, 1, 9, 0, नंबर 3, 23, 13, 17, 16, 666, 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। तो यस, यही कुछ इनिशियल्स और नंबर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।